नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के बाहरी जिले में हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात। कौन था इस दिल दहला देने वाली घटना का जिम्मेदार और पुलिस ने कैसे पहुंचाया उसे सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये है दिल्ली के बाहरी जिले में स्थित प्रशांत विहार पुलिस थाना। रोजमर्रा की तरह पुलिसकर्मी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। इसी दौरान पुलिस थाने में कॉल आई। कॉल सुनकर पुलिसकर्मी ने फोन पर मिली जानकारी को तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचा दिया। दरअसल फोन पर एक व्यक्ति ने इलाके में स्थित एक घर से, जो काफी समय से बंद पड़ा था, उसमें से बदबू और खून जैसा कोई द्रव्य निकलने की बात कही। पुलिसकर्मी से मिली जानकारी के आधार पर फौरन एक पुलिस टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर टीम ने कमरे को बाहर से बंद पाया और कोई चारा न देख उन्होंने जबरन दरवाजे को खोलना ही बेहतर समझा। दरवाजा खोलकर जैसे ही पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल हुए, वो सभी वहां का दृश्य देखकर सिहर उठे। कमरा पूरी तरह एक अजीब सी दुर्गंध से भरा हुआ था। वहीं सामने जमीन पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जो लगभग पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लाश के हाथ पांव बंधे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था, जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि हत्या की वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया है। तहकीकात करने पर महिला की पहचान 64 वर्षीय दया कौर के रूप में हुई, जो उस घर में अकेले ही रहती थी। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर हत्या की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने हत्या के इस मामले में किसी भी तरह का सुराग हासिल करने के मकसद से आस पड़ोस में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस को ऐसा कोई भी चश्मदीद नहीं मिल सका, जो इस निर्मम हत्याकांड के बारे में कोई भी जानकारी दे सके। कोई भी सुराग ना मिल पाने की वजह से मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका था। काफी गहन छानबीन के बाद पुलिस के हाथ ये महत्वपूर्ण सुराग लगा कि हत्या वाले दिन से ही आसपास के इलाके में काम करने वाले 3 युवक गायब थे, जो वहां मोची का काम किया करते थे। टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए ये बात भी सामने आई कि मृतक महिला के घर से लूटे गए मोबाइल फोन 2 युवकों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनकी लोकेशन दिल्ली के राजापुर गांव पता चल रही थी। पुलिस के लिए ये जानकारी काफी अहम थी, इसलिए मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। लेकिन पुलिस को ये महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले युवक यूपी में स्थित अपने मूल निवास के लिए निकल चुके हैं। इस सूचना के आधार पर फौरन एक पुलिस टीम गठित कर यूपी में स्थित उनके संभावित ठिकानों की ओर रवाना कर दिया गया, लेकिन वहां कई जगह छापे मारने के बाद भी पुलिस के हाथ वो संभावित हथियारे नहीं लग पाए। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और तफ्तीश जारी रखी। इन्हीं प्रयासों के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला कि हत्या और लूटपाट की वारदात में शामिल 2 युवक रोहिणी में स्थित जैपनीज बार के नजदीक आने वाले हैं। पुलिस उन युवकों को पकड़ने का ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत एक टीम को जैपनीज बार के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस टीम ने पार्क के आसपास जाल बिछा दिया और वहां पहले से बैठे दोनों युवकों को भागने का कोई मौका दिए बिना धर दबोचा। मौके पर की गई पूछताछ में इन्होंने पहले तो हत्या की किसी भी वारदात में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन उनकी तलाशी लेने पर पुलिस को मृतक महिला के घर से लूटा गया मोबाइल फोन मिल गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान ब्रिजेश और मनोज के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस को ये बताया कि वो दिल्ली काम धंधे की तलाश में आए थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उनका धंधा नहीं जम पा रहा था, इससे वो काफी परेशान रहते थे। इसी परेशानी में इन्होंने इलाके में काफी रेकी की और एक बुजुर्ग महिला को सॉफ्ट टारगेट समझकर उसको अपना शिकार बनाया,
जिसे जल्द और आसानी से पैसा बनाया जा सके। इसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से पकड़े गए दो आरोपी और उनका एक साथी मौका देखकर उस बुजुर्ग महिला के घर में दाखिल हो गए और जबरन उसे बंधक बनाकर घर में रखे पैसों और कीमती सामान की मांग करने लगे। महिला द्वारा विरोध करने पर उन्होंने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की और महिला के अचेत होने पर उसके हाथ पांव बांध दिए। हाथ पांव बांध कर घर की तलाशी लेने लगे और उनके हाथ जो भी कीमती सामान लगा उसे लेकर वो मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस द्वारा सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अभियानों से दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में सीनियर सिटीजन के प्रति बढ़ते अपराधों में काफी कमी आई है। वरिष्ठ नागरिक कुछ जरूरी हिदायतों का पालन कर किसी भी संभावित हादसे या दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, जैसे घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों में ताले व ग्रिल लगी हो, दरवाजा खोलने से पहले मैजिक आई का प्रयोग करें, अपने नौकर और किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं, अपने पास आपातकालीन टेलीफोन नंबर अवश्य रखें, RWA कार्यकर्ताओं व पड़ोसियों से नियमित संपर्क में रहें, कीमती वस्तुओं को घर में ना रखें, साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1291 या पुलिस सहायता नंबर 112 पर अवश्य संपर्क करें। हमें अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और किसी संदेहास्पद घटना की जानकारी फौरन पुलिस को देनी चाहिए। अपराध को रोकने में दिल्ली पुलिस की मदद करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं, ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, जमावड़े या धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। लोग इन नियमों का पालन करें, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरह से पालन ना होने और कोरोना संक्रमण के फैलने के अंदेशे से ये प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरह की गैदरिंग है वो अभी भी दिल्ली में प्रोहिबिटेड है, मतलब अभी अलाउड नहीं है। तो इसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सारे जो लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं किसी भी तरह की परमिशन के लिए, कोई धरना या कोई प्रोसेशन के लिए, हम उन सबको लिखित में भी मना करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी हम उनको इंटीमेट करते हैं कि आपका ये प्रोग्राम एज़ पर DDMA गाइडलाइंस अभी अलाउड नहीं है। इसके अलावा हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ये चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं ताकि आम पब्लिक जो है इसके बारे में अवेयर हो जाए। इसके अलावा अगर फिर भी कोई गैदरिंग करता है तो हम लोग उसके साथ सख्ती से निपटते हैं। कोरोना काल में जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश का पालन करें।
इससे कोरोना को फैलने से रोकने में हम मददगार साबित हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करके ही कोविड-19 संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नियमों को नजरअंदाज करते देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से हाल ही में नई दिल्ली जिला पुलिस द्वारा साइकिल गश्त की शुरुआत की गई है। इसके जरिए घूम घूम कर लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के बारे में बताया जा रहा है, जिससे लोग सतर्कता बरते। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य दलों ने कैनॉट प्लेस क्षेत्र में साइकिल से राउंड लगाकर लोगों पर कड़ी नजर रखी, ताकि वे नियमों का भली भांति पालन करें। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों का चालान भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लोगों के सहयोग के बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि लोग सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन करें और सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए डीसीपी रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 100 पुलिस कर्मी शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक दूरी का खास तौर पर ख्याल रखा गया था। इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को कोविड-19 से लड़ने के लिए रोजमर्रा की जीवन शैली में सुधार और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोरोना महामारी के बीच पुलिस कर्मियों की मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी करने के आरोप में एक पत्रकार राजीव शर्मा सहित चीनी महिला क्विंग शी और इनके नेपाली सहयोगी शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। राजीव पर आरोप है कि इन्होंने पैसे लेकर देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी चीन के ऑफिसर्स को मुहैया कराई और ऐसा ये कई सालों से कर रहा था। स्पेशल सेल को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि राजीव शर्मा जासूसी में शामिल है। जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस ने सरकारी गोपनीयता कानून और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर राजीव शर्मा को पीतमपुरा स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जासूसी के आरोप में पकड़े गए पत्रकार राजीव शर्मा से पूछताछ के बाद पुलिस ने महिपालपुर इलाके से इनके नेटवर्क में शामिल चीनी महिला क्विंग शी और नेपाली सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में हैं और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। 2016 में इनका संपर्क एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ और जिसने इनको इनवाइट किया चाइना में किमजुन सिटी में, जहां पर इनको काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर किए गए इंडिया की इंफॉर्मेशन, डिफेंस इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इन्होंने माइकल को 2016 से लेकर 2018 तक लगातार बहुत सी इंफॉर्मेशन पास ऑन की। इंफॉर्मेशन जो हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रिक्योरमेंट और जो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लगातार पास करते रहे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल, कई टैब, लैपटॉप, चीनी एटीएम समेत कई कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पश्चिमी जिला पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपी प्रदीप कुमार मांझी और रविंद्र को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं। ट्रक के जरिए ये वहां से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करने में लगे हुए थे। गांजा सप्लाई करने के लिए इन्होंने एक ट्रक में लोहे की अलग से शील्ड लगवा रखी थी, ताकि पुलिस चेकिंग के दौरान ये पकड़ में ना आ सके।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रक में गांजा लेकर उसकी डिलीवरी करने दिल्ली के नारायणा इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लगभग 368 किलो गांजा सहित ट्रक भी जब्त कर लिया है। लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपी रणधीर रॉय, अशोक और अनुपम को दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटपाट का विरोध करने पर ये उस पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूकते थे। इस गिरोह की लूट का शिकार बने दो ऑटो ड्राइवरों ने इस बाबत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य रणधीर रॉय और अशोक किशनगढ़ स्थित रामलीला मैदान में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन्हें धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर गिरोह के तीसरे सदस्य अनुपम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए तीन मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे चौड़े कद काठी का होने का फायदा उठाकर ये बदमाश खुद को पुलिस ऑफिसर बताया करते थे। ये राह चलते किसी भी नागरिक को रोक कर कहते कि उनकी पहनी हुई कीमती ज्वेलरी कोई छीन ना ले, इसलिए उसे उतार कर वो एक पेपर में रख ले। बाद में बातों में लगाकर उस पेपर को बदल दिया करते थे। इसी तरह इन्होंने ज्वेलरी शॉप पर कुरियर का काम करने वाले कई लोगों को भी अपना निशाना बनाया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ईरानी गैंग के सदस्य किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से सराय काले खां स्थित इंद्रप्रस्थ पार्क के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई चार सोने की चूड़ियां, एक कार, एक बाइक बरामद करते हुए धोखाधड़ी और चोरी के चार अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। मोबाइल स्नैचिंग करने के आरोप में एक आरोपी रवि को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि गुजर बसर करने के लिए अपने एक साथी के साथ मिलकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हाल ही में रवि ने एक लड़की को अपना निशाना बनाया था। लड़की जब मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही थी, उसी वक्त रवि अपने साथी के साथ बाइक पर आया और लड़की से जबरन मोबाइल छीनकर फरार हो गया। जिला पुलिस लड़की से मिले बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी रवि तक पहुंच गई और उसे मदनपुर खादर स्थित उसके घर पर दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी रवि के कब्जे से स्नैच किए गए मोबाइल फोन सहित स्नैचिंग में इस्तेमाल एक बाइक को भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने वजीराबाद इलाके में हुई एक युवक साहिल की ब्लाइंड मर्डर की कुत्ती को सुलझाते हुए आरोपी भाई बहन और इनके साथी अली को गिरफ्तार किया है। मृतक साहिल की दोस्ती आरोपी लड़की से थी और साहिल का लड़की के घर आना जाना था। आरोपी लड़की, उसके भाई आकाश और अली ने साहिल के साथ मिलकर शराब पी थी। शराब के नशे में साहिल अपनी महिला दोस्त से गंदी हरकत करने लगा। इस हरकत को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने मिलकर साहिल की बेल्ट से गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को ऑटो से ले जाकर वजीराबाद इलाके में फेंक दिया। हत्या की जांच में जुटी पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और वहां लगे सीसीटीवी की मदद से इनकी पहचान कर ली। टेक्निकल सर्वेलांस से इनके उत्तर प्रदेश के हरदोई में छिपे होने की जानकारी मिली, जहां दबिश देकर इन तीनों को धर दबोचा गया। द्वारका जिला पुलिस ने दो लुटेरों धर्मेंद्र डबास और विकास को गिरफ्तार किया है। दोनों ही पेशे से ड्राइवर हैं। लॉकडाउन में दोनों की नौकरी चली गई थी, जिससे इन्हें पैसे की तंगी होने लगी थी। जल्दी पैसा कमाने के लालच में इन्होंने लूट की योजना बनाई। योजना के मुताबिक इन्होंने एक राहगीर को गुरुग्राम से दिल्ली ड्रॉप करने के लिए लिफ्ट दी, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने बंदूक की नोक पर उससे लूटपाट की और उसे रास्ते में ही फेंक कर फरार हो गए। कई दिनों की गहन छानबीन के दौरान पुलिस ने पाया
कि राहगीर से लूटा गया मोबाइल फोन कंझावला इलाके में एक्टिव है। पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ा तो सारा मामला खुल गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पोंजी स्कीम का भंडाफोड़ करते हुए इसके सरगना भैरूलाल वर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने देश के कई राज्यों में अपना धंधा फैला रखा था और ये बीते 10 साल से फरार चल रहा था। लोगों को ठगने के लिए इस कंपनी में पैसा लगाने के बदले 20% प्रतिमाह निश्चित लाभ का लालच दिया करता था। यकीन दिलाने के लिए ये लोगों को अपनी कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का भी झांसा दिया करता था। इसी जाल में फंसे एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की और इसे धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके जरिए लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसकी बदौलत उनके आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन कोरोना काल में इन कार्यशालाओं का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवतियां घर पर ही रहकर आत्मरक्षा के गुर सीख सकें। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कवायद में लगी है। इसके लिए नई दिल्ली जिले के परिवर्तन सेल द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए ऑनलाइन सशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत पुलिस द्वारा हाल ही में एनपी बंगाली स्कूल गोल मार्केट की कक्षा 9 की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 22 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस की योजना राजधानी के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मनचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन कार्यशालाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। हर किसी के लिए हर वक्त और हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम मुश्किल है। फिर मुश्किल हालात से निपटने में आत्मरक्षा का उपाय ही सुरक्षा का बेहतर उपाय हो सकता है। मगर आत्मरक्षा के तरीके हमें सीखने होंगे और ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं। मार्शल आर्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। मार्शल आर्ट सही मायने में एक आर्ट ही है, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम मनचलों को सबक सिखा सकते हैं, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। चुस्ती फुर्ती से ही हम दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास ही होता है कि हम मुश्किल स्थितियों से पार पा लेते हैं और यही तो इसमें सिखाया भी जाता है। इसे सीखने के दो सीधे फायदे हैं। एक तो
असुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं रह जाती और दूसरा ये कि हमारी दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भी भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, इसलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे तो आप 112 या 1091 पर फोन कर तुरंत मदद पा सकती है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।